के 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया। अफसरान में इंटरबोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन और इम्तिहानी कंट्रोलर्स भी शामिल हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी संजय जी, बिल्कुल, कराची इंटर बोर्ड में नतज तब्दील करने का सिलसिला सालों से जारी का निगरान वजीर अला मकबूल बाकर ने कराई, तो ना सिर्फ गुजस्ता साल बल्कि 2021 और 22 के नतज में भी तब्दीली की गई। नतज छेड़छाड़ करके नतज बदले गए, जिसका इंकशाफ वजीर अला की जानब से कराई गई तहकीकत में सामने आया है। और इस तहकीकती रिपोर्ट के बाद निगरान वजीर अला की जानब से एक हुक्म दिया गया है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाए। एंटी करप्शन को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खत लिखा गया है। जो खत लिखा गया है उसके मुताबिक अगर साबिक जो है वो 8 ऐसे अफसरान हैं जो निचले दर्जे के नहीं बल्कि आला तरीन इंटर बोर्ड के साबिक बताएगा। जो बच्चे मुतासर हुए हैं उनके हवाले से क्या देखिए, पहले इनके खिलाफ कैसे दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से निगरान वज़ीर आला फैसला करेंगे। जो